इंटर की परीक्षा देने गई छात्रा 3 फरवरी को हुई लापता, अभी तक नहीं आई वापस। माँ ने कहा लगता है मेरी संपत्ति को हड़पने को लेकर साजिश के तहत मेरी बेटी को किसी ने किया है अगवा। पीरपैंती बाखरपुर ओपी क्षेत्र के निवासी विधवा शशिकला देवी की इकलौती पुत्री मौसम कुमारी का कहलगांव थाना क्षेत्र से अपहरण होने का मामला सामने आया। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि मेरी बेटी 3 फरवरी को 9 बजे इंटर की परीक्षा देने हाईस्कूल सहरसा कहलगांव गई थी, जो अपनी मौसी के घर में रहकर परीक्षा दे रही थी, लेकिन 3 फरवरी को घर वापस नहीं लौटी तो लड़की के परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला। कहलगांव थाने में 4 फरवरी को अरुण यादव और मौसम की सहेली का आवेदन में नाम दर्ज करवाया। पीड़ित विधवा महिला का कहना है कि हमारी संपत्ति को हड़पने को लेकर साजिश रची गई ताकि मेरी बेटी की हत्या कर दे और सारी जमीन जायजाद दखल कर लेंगे। वहीं एक माह से ऊपर बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक लड़की का कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। वो क्या स्थिति में किस हालत में होगी, हत्या तो नहीं कर दी, गायब कर दी गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। अपना नाम बताइए। शशिकला देवी। पति का नाम? चौधरी राजीव यादव। घर? बाखरपुर। क्या मामला है आपके साथ में? मामला है कि मेरी बेटी को परिवार वाला, घर वाला, सब परिवार वाला मिलकर अरुण यादव से अपहरण करा दिया है। ये अपहरण का मामला कैसे आया? लड़की क्या करती थी, कहाँ रहती थी? लड़की मेरी हम कॉलेज करने गई थी, कॉलेज से निकली और अपहरण करा लेकर इतना पता हो गया है। अभी तक मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। ये कितना दिन हो गया अपहरण हुए से? 2-3 2 फरवरी हो गया, 1 महीना बीत गया। हाँ। तो आपने आवेदन दिए थाना में, तो वहाँ से क्या आवेदन दिए थे थाना में दिए थे, फिर गए थाना में कि अभी तक कार्रवाई नहीं किए, तो थाना वाला बोले कि नहीं आप कहाँ आवेदन दिए हैं। फिर हम एसपी साहब पे फिर आवेदन लिख के दिए वहाँ पर, किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि आपकी बेटी सुरक्षित है जहाँ भी है, या फिर किसी तरह का अनहोनी भी हो सकती है उसके साथ में? मेरी बेटी के सब पर सब जान मार के फेंक दिया होगा, इसी से मेरे कोई अभी सुराग नहीं मिला है। ऐसा आप जैसे नाम बता रहे हैं, ऐसा क्यों आप बता रहे हैं कि फलना आदमी ने, वो आदमी ने अपहरण कर लिया, ऐसा क्या बात है? इसमें विष्णु यादव के भी हाथ है, अरुण यादव उसका दोस्त है। ऐसा क्या है, वो आपके कौन है? विष्णु यादव, अरुण यादव? विष्णु यादव मेरा चचेरा देवर है, बड़े ससुर के बेटा। तो वो क्यों आपके बेटी का अपहरण कराएंगे? मेरी गोतनी से उसका पूरा रिश्ता है, गोतनी कहती है रंजीत यादव के पत्नी आरती देवी वही काम करता है, वही करवाया है अरुण यादव से। आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है, मौसम कुमारी, इंटर में पढ़ती थी। वो क्या इंटर में पढ़ रही थी, एग्जाम देने के लिए कहलगांव गई थी? एग्जाम देने खाली गई थी। तो वहीं रह रही थी या फिर डेली आना जाना होता था? हाँ, 2 दिन वहाँ पर रह रही थी। सरकार जी नीलम कुमारी अपहरण करवा दी, वही बुलाई थी उसको बाखरपुर में। नीलम कुमारी दिन नहीं थी, कहलगांव आई थी और दूसरका दिन घर गई थी नीलम कुमारी। नीलम कुमारी कौन है? मौसम कुमारी की सहेली है। अच्छा, ये घटना होने से पहले आपको कहीं पता होगा कि हमारे